हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में कि आखिर आपको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बहुत सारे लोग जो कंफ्यूज रहते हैं कि हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर म्यूचुअल फंड में या फिर किसी ETF में, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ये कन्फ्यूजन दूर होने वाली है। फिलहाल के लिए मैं आपको top 3 ETF के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको बहुत ही तगड़े रिटर्न देखने को मिलते हैं। तो चलिए सीधा सा वीडियो को कंटिन्यू करते हैं एंड बात करते हैं पहले ETF की, जिसका नाम हो जाता है निपॉन इंडिया ETF निफ्टी PSU बैंक। तो जिसकी आपको NAV प्राइसिंग देखने को मिलती है वो हो जाती है ₹58 एंड फंड साइज की बात करते हैं तो 1418 करोड़ रुपए का इसका फंड साइज देखने को मिलता है। एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो 0.49% इसका एक्सपेंस रेशियो हो जाता है। एंड अगर हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की, तो आप देखोगे एक साल में इसने 81% के रिटर्न दिए हुए हैं। कैटेगरी एवरेज 18% है, जिसमें आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छे अपने कैटेगरी को बीट करते हुए इसने रिटर्न दिए हुए हैं। बढ़ते हैं आगे एंड आगे बढ़ते हैं हम बात करते हैं अगर इन्वेस्टमेंट की, तो जिसमें आप देखोगे कि अगर आप इसमें लमसम इन्वेस्टमेंट करते हो तो ₹10,000 से, तो उसकी वैल्यू आने वाले टाइम में 10 साल के बाद ₹59,000 हो जाती है। एंड जिसमें आपको रिटर्न मिलता है वो हो जाता है 494% का। इसके आगे अगर हम आगे बढ़ते हैं बात करते हैं SIP की, अगर आप ₹1,000 की SIP शुरू करते हो एंड 10 साल के लिए उसको इन्वेस्ट कर देते हो तो आप ₹1,20,000 टोटल इन्वेस्टमेंट करते हो एंड उसकी वैल्यू जो होती है वो हो जाती है ₹2,36,755। तो आपको समझ में आता है कि अगर आप SIP करते हो तो भी इसमें आपको बहुत ही अच्छे रिटर्न देखने को मिल जाते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं इसके पोर्टफोलियो की, तो पोर्टफोलियो में आपको बहुत सारे अच्छे स्टॉक देखने को मिल जाते हैं। जिसमें आप टॉप होल्डिंग्स चेक करने जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 26% का इन्वेस्टमेंट है एंड बैंक ऑफ बड़ौदा में आप देखोगे 18% का इन्वेस्टमेंट है, पंजाब नेशनल बैंक में 13% का इन्वेस्टमेंट है। तो ये टॉप होल्डिंग्स हो जाती हैं जिसमें इस ETF के इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाते हैं। इसी के अलावा आप इसके पीयर कंपेरिजन भी ऑटोमेटिक चेक कर सकते हो एंड जो निपॉन के जो अदर फंड्स आ जाते हैं उनकी लिस्ट नीचे देखने को मिल जाती है। तो ये हो जाता है फर्स्ट नंबर का ETF। अब बात करते हैं सेकेंड ETF की, जिसका नाम है CPSE ETF एंड इसके NAV प्राइसिंग की बात करते हैं तो ₹53 हो जाता है। फंड साइज की बात करते हैं तो 22,000 करोड़ है एंड एक्सपेंस रेशियो आप देखोगे तो 0.05% हो जाता है, जिसका एक्सपेंस रेशियो निपॉन इंडिया से काफ़ी कम है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए इसके रिटर्न की बात कर लेते हैं तो लास्ट इसने एक साल में 54% के रिटर्न दिए हुए हैं। कैटेगरी एवरेज 18% ही देखने को मिलता है, तो इसने अपने कैटेगरी को काफ़ी अच्छी तरह से बीट किया हुआ है। एंड अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो ₹10,000 का लमसम इन्वेस्टमेंट तो उसकी वैल्यू 5 साल के बाद ₹36,000 हो जाती है। तो इसमें भी काफ़ी अच्छे रिटर्न देखने को मिल जाते हैं। अगर आप इसमें SIP शुरू करते हो ₹1,000 की 5 साल के लिए, तो आप इन्वेस्टमेंट जो करोगे वो ₹50,000 का होगा एंड जो आप टोटल जो उसकी वैल्यू निकल जाती है वो हो जाएगा रिटर्न की वैल्यू ₹1,23,000। तो इस तरह से यहाँ पर डाटा देखने को मिल जाता है। सॉरी, यहाँ पर मेरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, 5 साल में जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा वो ₹60,000 का होगा। आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं पोर्टफोलियो की, तो पोर्टफोलियो में आपको देखने को मिलेगा नेशनल थर्मल पावर में जो इनका इन्वेस्टमेंट है वो 21% का है, ऑयल एंड नेशनल गैस में इनका 19% का है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन में 17% का है। तो इस तरह से आपको टॉप होल्डिंग्स देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा अदर होल्डिंग्स आप चेक कर सकते हो एंड आगे बढ़ते हैं एंड आगे बढ़ते हुए बात करते हैं इसके रिस्क रेशियो की, तो इसमें आपको बीटा एंड स्टैंडर्ड डेविजन में हाई वॉलिटिलिटी देखने को मिल जाती है। शार्प रेशियो एंड 10 ईयर्स रेशियो में काफ़ी अच्छे यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसके अलावा पीयर कंपेरिजन आप यहाँ पर चेक कर सकते हो एंड अदर फंड्स भी देख सकते हो। अब हम बात करते हैं थर्ड ETF की, जिसका नाम हो जाता है UTI Nifty 50। मतलब जितनी भी कंपनी निफ्टी 50 में है उसी कंपनी में इस ETF का इन्वेस्टमेंट होता है। अब बात करते हैं इसके NAV प्राइसिंग की, तो यहाँ पर आपको ₹210 देखने को मिल जाता है। फंड साइज 42,000 करोड़ का है एंड एक्सपेंस रेशियो की यहाँ पर डिटेल नहीं दी हुई है, बट इसका भी एक्सपेंस रेशियो जो होगा वो 0.17 या फिर 0.20% तक हो सकता है। आगे बढ़ते हैं बात करते हैं अगर इसके रिटर्न की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक साल में इसने 17% ऑलमोस्ट 18% के रिटर्न दिए हुए हैं। कैटेगरी एवरेज 18% का ही है। इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, तो यहाँ पर आप अगर आप SIP करते हो ₹1,000 की तो 5 साल में आप ₹60,000 ही इन्वेस्ट करते हो, उसकी वैल्यू ₹89,000 हो जाती है। एंड बात करते हैं अगर पोर्टफोलियो की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा HDFC बैंक लिमिटेड में 13% का इन्वेस्टमेंट है, रिलायंस इंडस्ट्रीज में 9% का है, ICICI बैंक में टोटल 7% का इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाता है।
तो यहाँ पर आप रिस्क रेशियो देख सकते हो, हाई स्टैंडर्ड डेविएशन एंड बीटा हाई वॉलेटिलिटी में देखने को मिलते हैं। शार्प रेशियो, 10 ईयर्स रेशियो के रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं एंड जो इसके पीयर्स देखने को मिलते हैं वो भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। अब बात आती है कंक्लूजन की कि आखिर आपको किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो अगर आप निफ्टी 50 टाइप के फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको निफ्टी 50 ETF में इन्वेस्ट करना चाहिए। अदर जो मैंने दो ETF बताए इनके पोर्टफोलियो काफ़ी अलग हैं। अगर आप चाहते हो बिल्कुल हट के इन्वेस्टमेंट तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बट किसी भी टाइप के इन्वेस्टमेंट को करने से पहले एक बार आपके एनालिसिस जरूरी है तो वो जरूर कर दीजिएगा, इसके बाद आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उम्मीद करूंगा मेरा यह वीडियो आपको पसंद आएगा। मेरा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।